कहां संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर दें, कर दिया ना। वो नारा तो बाहर था, चलो वहां का हिसाब और कभी करेंगे। आपने जिस प्रकार की, लेकिन कोशिश करूंगा जितना, मैं सोचता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपने 19-20 में कहा 74,500 इतने को मिलेगी, फिर आपने अगले 20-21 में कहा 53,000 मिलेगी, फिर उसके बाद कहा कि आपने 20-21 में 52,000 लोगों को मिलेगी, और इस साल आपने घोषणा की 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। चलो 1 लाख को अलग रखते हैं, अभी तो जो 180, उस 180 में ईमानदारी से आपके यहाँ जो भी बैठे हों उनको कहना मुझे इस 180 में से जो आपने बिल्कुल कैटेगरी वाइज किसमें कितने पद भरेंगे उसमें से कितने भरे वो रिप्लाई में दे दे जाना, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा कि आपने 180 जिसकी आपने बजट में घोषणा की उसमें से कितने लोगों को नौकरी पे चढ़ा दिया, तब तो बात आपकी समझ में आएगी। दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि हमारे यहाँ जो स्थिति अब राजस्थान में बनी ना, इन नकलचियों ने और गिरोह ने सारे बच्चे के भविष्य पर अंधकार छा दिया, और वो गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को खेत गिरवे रख के पढ़ता है उस बच्चे को अंधकार पड़ा रहा है ना। कभी पेपर लीक हो जाते हैं उससे आउट हो जाता है, कभी आपकी परीक्षा कोर्ट में जाकर चिपक जाती है इसलिए रुक जाता है, कभी और किसी संकट में आ जाते हो ये भर्तियां हो नहीं पाती है। कृपा करके आप इस पर मेहरबानी करो यार, उस बच्चे को कम से कम जो नौकरी आप निकालते हो उसकी इतनी परफेक्ट व्यवस्था करो कि कम से कम ये नकलची और चोर गिरोह जो है ना ये बाहर हो, ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार से आप बचा सको, इतनी तो कृपा करो कम से कम। अब आपने मुख्यमंत्री संबल योजना